Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है. इट्स द ऑटम विंटर कलेक्शन बाय ऋतु कुमार. उनके 50 साल इस साल पूरे होते हैं एंड इट्स अ नेम टू रेकन विद. आई मीन आई हैव ग्रोन अप विद ऋतु कुमार's नेम एज अ ब्रांड, यू नो, फ्रॉम माय अर्लीस्ट डेज. आई कैन रिमेंबर दिस बीइंग वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स एंड इट्स अमेजिंग दैट देव मेंटेन देयर equity and grown so much, and they're so relevant even today. So this collection, I think, is about the urban sophisticated traveler, world traveler, and it has an undertone of the nomad girl and, you know, the gypsy life. And not just from India, the inspiration is taken from all over Asia. Jo ye dress maine pehni hui hai isme उज़्बेकिस्तान की मोटिव्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्यूएट्स हैं, इजी है. इट रियली एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द इंडियन वुमन, सो आई लव इट. ओके, विंटर कलेक्शन है तो आपका क्या विंटर लुक होता है, जो उसमें आप क्या पहनना पसंद करती हैं विंटर? जी, बॉम्बे में तो विंटर खास मिलती नहीं है. सो अगर दिल्ली जाना हो, एक्चुअली जहाँ ठंड होती है वहाँ पे विंटर में, यू नो, यू एंड अप वेयरिंग अ लॉट ऑफ वेलवेट. ऑफ कोर्स वेलवेट इज़ समथिंग अगेन दैट, यू नो, हैज़ बिन यूज, इस कलेक्शन में काफ़ी यूज़ करा गया है. और डार्कर कलर्स होते हैं, थोड़े वार्मर कलर्स होते हैं. विंटर में सारे ट्रेंच कोट्स निकल आते हैं, मफलर्स एंड, यू नो, ऑल द बूट्स एंड ऑल द फन स्टफ, जो अच्छे से पैक होके रहते हैं नहीं तो बॉम्बे में. ओके, आप भी बहुत ब्यूटी लग रही हैं. आपने जो पहना है इसके बारे में कुछ बताइए. वेल, इट्स अ, एज यू कैन सी, इट्स अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेस एंड दिस मोटिफ इन पर्टिकुलर, ये उज़्बेकिस्तान का मोटिफ है. इट्स फ्रॉम उज़्बेक एंड इज एन उज़्बेक मोटिफ एंड आई रियली लव द कलर. इट्स अ कलर दैट आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ एंड एक इंडियन एथनिक टच है, लेकिन इट्स गॉट अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ वाइब. So that's what इसके आपका आपका क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, अगर आपकी अगर बात करिए तो? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एक्चुअली बदलता रहता है. इवन आई डोंट नो, यू नो, समटाइम्स आई फील लाइक वेयरिंग ड्रेसेस एंड द अदर टाइम्स आई मीन टॉन जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड कभी, यू नो, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द मूड इज एंड व्हाट द सीजन इज. सो आई एम नॉट रियली कमिटेड टू वन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एज सच. ओके, विंटर के लिए कोई तीन टिप्स अगर आप अगर आपके आपके फैंस को अगर देनी है तो क्या दोगी? विंटर में आई थिंक सबसे पहले तो कपड़े जो हैं हिसाब मौसम के हिसाब से पहनने चाहिए. आई फील वेरी कोल्ड व्हेन आई सी गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स इन द विंटर, यू नो, समटाइम्स, एंड आई हैव डन दैट एज वेल, बट आई रियलाइज दैट दोज आर नॉट गुड चॉइसेस. सो यू शुड वेयर थिंग्स दैट आर, यू नो, नाइस एंड वॉर्म एंड, you know, warmer color tones in that sense. Trench coats, mufflers, like I said before, jo bhi cheeze, you know, mostly packed away rehti hai. Abhi jo web series, as you come from the showbiz business, yeah, so fashion is one of the most ingredient in this industry. Yeah. What according to you is the USP of Ritu Kumar, and what's your own idea of fashion? I think for me, and not just as an actor or working in the beauty industry, you know, I feel like Ritu Kumar has remained so relevant with the times as a brand and as an entity. I find that extremely inspiring. I feel like, you know, they are artists of a sort and of a unique sort, you know, and unke evolution mein aapko ek
कंट्री का एवोल्यूशन दिखता है कि किस तरीके से सिलुएट्स बदले हैं, किस तरीके से प्रिंट्स बदले हैं, व्हाट थिंग्स कम बैक इन फैशन. यू नो मेनी टाइम्स वी सी दैट व्हाट वाज रियली हॉट इन द 70s और द 80s इज राइट बैक इन फैशन. इट्स अमेजिंग टू सी द एवोल्यूशन ऑफ अ कंट्री एंड अ कल्चर थ्रू द लेंस ऑफ फैशन. एंड आई फील दैट व्हेनेवर आई हैव सीन रितु कुमार्स क्लोथ्स एंड जस्ट हर एस्थेटिक एंड सेंसिबिलिटी इन हर प्रिंट्स एंड मोटिव्स, the way she has kind of you know just culminated different textures of the country and beyond, I find that amazing. I find that very inspiring. apne web series ke bare mein thoda bataiye, kis tarah ka aap chal raha hai web series? Ah, bahut maza aa raha hai actually. maine pehle hi din apne pair ko injure kar liya tha, to main usse recover ho rahi hu. but it's been a really 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 amazing time. it's a great set to be on. I'm really having an amazing time shooting, and we are right in the middle of it actually. aur bahut tough hai, physically bahut demanding hai, but it's a project very close to my heart. so I'm really really happy that you know we are back filming this. okay, aur kya aane wala hai upcoming mein aapki taraf se? जी फिलहाल तो मैं यही कर रही हूँ जो मैं कंफर्म कर सकती हूँ. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके बारे में इस वक्त मैं फिलहाल बात नहीं कर सकती, बट आई एम फिल्मिंग दिस राइट नाउ एंड आई थिंक वी शुड बी ऑन एयर विद दिस एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर श्योर. थैंक यू.